सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन को हैंग होने से रोक सकते हैं। अदरवाइज़ आपका फ़ोन हैंग करता है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों, अदरवाइज़ आप किसी भी तरह के भी फ़ोन को यूज़ करते होंगे, डिवाइस को सैमसंग, वीवो, रियलमी, किसी भी तरह के फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने फ़ोन को हैंग होने से रोक सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जुलूम और आप देख रहे हैं टेक्निकल अपडेट चैनल को। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टेक्नोलॉजी जुड़ी वीडियो सबसे पहले तक पहुँचता है। आपको सिंपली यहाँ करना क्या है, अपने फ़ोन को लैग होने से रोकने के लिए अपने फ़ोन के सेटिंग को यहाँ से ओपन कर लेंगे। सेटिंग को दोस्तों ओपन करने के बाद चल जाएंगे मैनेज ऐप में। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन में जाना होगा, यहाँ से कर देंगे एप्लीकेशन पर क्लिक। तो अदरवाइज आप किसी भी तरह को डिवाइस को यूज़ करते होंगे तो आपको आप मैनेज ऐप्स का यहाँ पर शो हो जाएगा ऑप्शन, तो आप चल जाएंगे मैनेज ऐप्स पर। उस पर दोस्तों आपको बहुत सारा यहाँ पर जितना भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, कल फर्स्ट वाले एप्लीकेशन पर चल जाएंगे ब्लूटूथ पर। इसके जितना भी डाटा को इसने यूज़ किया है इस एप्लीकेशन ने, कर देंगे यहाँ से ऑल ड्रॉप कर देंगे कैंसिल, कर देंगे ईडीएज, यहाँ से करेंगे कैंसिल ऑल डाटा, क्लिक कर देंगे। उसके बाद दूसरे वाले एप्लीकेशन पर जाएंगे कैमरा पर, उसके बाद इसमें भी कर देंगे ऑल डाटा पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है फाइंड डिवाइस आपको कर देना है, इस पर क्लिक कर देंगे इसके ऑल डाटा को क्लिक। तो ऐसे ऐसे बारी बारी करके आपको सभी जितना भी एप्लीकेशन आपके हैं कर देंगे, सभी को यहाँ से कर देंगे इरेज, ऑल डाटा को यहाँ से कर देते हैं इरेज सभी को। तो फिर आपको जितना भी यहाँ पर एप्लीकेशन से आता है आपको सभी डाटा को यहाँ करेंगे इरेज। इरेज करने के बाद दोस्तों यहाँ से करेंगे सिंपली बैक, यहाँ से मैं सभी डाटा को यहाँ से कर दिया इरेज। इस करने के बाद दोस्तों करना क्या है, आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर देना है। यहाँ से मैं अपने फ़ोन को रिबूट कर लेता हूँ, सिंपली कर देंगे रीबूट, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फिर आपको इतना सब करने के बाद आपको अपने फ़ोन को ऑन हो जाएगा, तो आपको सिंपली अपने फ़ोन को यूज करके देख लेना है कि आपका फ़ोन पहले ज़्यादा बेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए इस ट्रिक को, आपका फ़ोन जो है बहुत ही कम लेग करेगा और आपको चलाने में भी मज़ा आएगा। तो आई होप दोस्तों कि अच्छा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगा।